जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। राफेल घोटाले के मामले को उछालने के बाद कांग्रेस अब वन रैंक वन पेंशन के बहाने मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को ओआरओपी के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों से मिले। पूर्व सैनिकों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। राफेल मामले में प्रधानमंत्री ने प्रोसीजर बदला, 126 हवाई जहाज, 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। एयरफोर्स ने पूरा नेगोशिएशन किया, एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने और एयरफोर्स के सीनियर ब्रास ने नेगोशिएशन किया, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेगोशिएशन किया, प्रधानमंत्री आते हैं, सब रद्द कर देते हैं, एक नई डील तैयार करते हैं और 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए, एक व्यक्ति को जिसने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उसको गिफ्ट देते हैं, मगर हमारी जो सेना के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, जो हर रोज इस देश की रक्षा करते हैं, उनसे पैसा छीना जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं, हम इनके साथ सॉलिडैरिटी में खड़े हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने आपको ओआरओपी पे किया था वो हम पूरा करके आपको दिखा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय से जंतर मंतर पर सैनिक भूख हड़ताल किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।